तुम्हारा घमंड मैं तोड़ूंगा। किसने उसका घमंड तोड़ा? एक दिन तुम्हारा घमंड टूटेगा, कभी न कभी तुम्हारा भी घमंड टूटेगा। कोई उस लड़की का घमंड तोड़ सकता है क्या? तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? यहाँ पर जनरली अलग अलग टेंसेस का सेंटेंसेस है, तो स्ट्रक्चर ऑब्वियसली जो है अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन यहाँ पर कॉमन जो चीजें हैं, घमंड तोड़ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेटर डैश डैश प्राइड। अब डैश डैश की जगह अगर उसका घमंड है तो सेटर हिज प्राइड, मेरा घमंड है तो सेटर माई प्राइड, अगर तुम्हारा घमंड है तो सेटर योर प्राइड, तो इस तरीके से लिखे जाएंगे। ये फ्रेज कंप्लीट है। अब इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है मैं तुम्हारा घमंड तोड़ूंगा या तुम्हारा घमंड मैं तोड़ूंगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई सेटर योर प्राइड, आई सेटर योर प्राइड। किसने उसका घमंड तोड़ा? ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो इसके लिए बोलेंगे हु सेटर्ड हर प्राइड, हु सेटर्ड हर प्राइड। नेक्स्ट सेंटेंस एक दिन तुम्हारा घमंड टूटेगा, मींस किसी और के द्वारा। ये पेसिव वॉइस का सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वन डे योर प्राइड विल बी सेटर्ड, वन डे योर प्राइड विल बी सेटर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस कभी ना कभी तुम्हारा भी घमंड टूटेगा, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस है पेसिव वॉइस में, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे सूनर और लेटर योर प्राइड विल ऑल्सो बी सेटर्ड, सूनर और लेटर योर प्राइड विल ऑल्सो बी सेटर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस कोई उस लड़की का घमंड तोड़ सकता है क्या? ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे कैन एनी वन सेटर द प्राइड ऑफ दैट गर्ल, कैन एनी वन सेटर द प्राइड ऑफ दैट गर्ल, या नहीं तो एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं कैन एनी वन सेटर दैट गर्ल्स प्राइड। हे दोस्तों, इससे जुड़ी मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइस वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।